तुम्हें रैप नहीं पसंद बड़ी बात नहीं, इट्स ओके मेरी कैप नहीं पसंद बड़ी बात नहीं, इट्स ओके तुम्हें रैप नहीं पसंद मुझे तुम नहीं पसंद, तुम्हें रैप है पसंद मुझे तुम हो पसंद, सीधी बात सोचो फिर से एक बार। कन्हैया बैक फ्रॉम द अंडरग्राउंड, शब्दा जी गर्मी हां, वेलकम इन माय बॉय टू द मैग्नेट आर्मी। पंजाबी गायकी सारी मैं सुन चुका बाली, कुछ भी नहीं असली गड्डी नड्डी वाली, मेनू समझ नहीं आदी अजकल दी हिपहॉप दी, चल दिन छुरी गल कर देने तू। What's up guys, hi my name is Sahil and we are back again into this game and you guys are watching Professional Magnet. So first thing first, TY का बर्थडे है आज, so I just want to say a very 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 happy birthday to you and तुम्हारे पास already सब कुछ है bro, so इस birthday पे तुम्हारे लिए मैं एक ही दुआ करता हूँ कि तुम्हें अच्छी से अच्छी health मिले and health is wealth bro, health रहेगी तो सब रहेगा, so I just wish you a very 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 great health and also माल फूको जितना मर्जी but stay healthy at the same time. So, कल रात को 12 बजे उसका बर्थडे था और 12 बजे ही ये गाना जोके ने ड्रॉप करा और गाने का नाम है खफा। तो खफा मतलब मैं किसी चीज़ से खफा, यानी आई थिंक सो जितनी मेरी नॉलेज है खफा मीन्स अगेंस्ट, या फिर मैं किसी चीज़ से नाराज, इस वे में हो सकता है। तो जोके की ईपी का गाना है, ईपी नहीं अब तो एल्बम ही है, जोके की एल्बम का गाना है और एल्बम में मतलब अकेला जे 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 और टी वाई, ओके सो परफेक्ट ड्यूओ इज अगेन एंड ब्रो आई नीड टू चेक आउट जे जे। ओके मैंने अब देखा कि इसमें जे जे भी है, सो वी गॉट जे जे एंड तला योनस, सो लेट्स गेट टू द सॉन्ग, लेट मी गेट इट इन अ बिग स्क्रीन। एंड बाय द वे यार, यू सम ऑफ यू गाइज आर रिटार्डेड ब्रो, लाइक मैंने सुबह पोस्ट डाली थी कि मैं रिएक्शन क्विक इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, आज मेरे नेक्स्ट ट्रैक की शूट थी तो मैं शूट पे गया था और उसके लिए मैं अब घर पे पहुंचा एंड एवरीबडी वाज लाइक, अब तो ये ऑब्वियस हो चुका कि दो घंटे के अंदर अंदर, एक घंटे के अंदर अंदर रिएक्शन नहीं आता ना, यू गाइस लाइक तुम मैसेज करना स्टार्ट कर देते हो, ब्रो बॉयकॉट ब्रो बॉयकॉट ब्रो बॉयकॉट, व्हाट द फक ब्रो। सो मुझे बस यही कहना है कि ब्रो जस्ट अपने दिमाग से ये बुलशिट निकालो और मेरे को भी चैन की सांस लेने दो। सो लेट्स गेट टू द सॉन्ग, ऑल द टीवाई फैंस सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल द मैग्नेट्स, लेट्स टर्न ऑन द मैग्नेटिक फील एंड कैच सम बर्थडे पार्ट्स, लेट्स गो। ओके जे जे टाइप बीट, अभी बीट सुनी का है। ऑल राइट कौन है तू? ओके तू जोके है ब्रो, मुझे पता है। जोके ऑन द हुक अगेन। कौन है तू? ए ए ए मुझको बता, दुनिया से नाराज भाई रखे राज नहीं कोई, आज मैं फुरपाश भाई दिल में रखे बात नहीं है, लव शायद आज पाक नहीं, या तो आज गाने लिखूं रे। आई नो इट्स योर बर्थडे ब्रो, बट डू नॉट डू दिस, डोंट डू दिस ब्रो, डोंट। मैं दुनिया से नाराज भाई रखे राज नहीं कोई, आज मैं फुरपाश भाई दिल में रखे बात नहीं है, लव शायद आज पाक नहीं, या तो आज गाने लिखूं रे, मुझे याद नहीं ये मेरे लव्ज आज पाक नहीं और मैं हाथ तो हाथ इतने गाने लिखूं रहते हैं मुझे याद नहीं। ओह माय गॉड ब्रो, समटाइम्स आई फील कि जब टीवाई इस, अब ये तो जोके ही बता सकता है या टीवाई खुद बता सकता है या टी ए अंजुम भी, बिल्कुल अंजुम भी साथ में इसी बात में इंक्लूड करता हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ यार ये इतने गाने लिखते हैं कि जब ये वर्ड्स लिख के भेज देते होंगे, अब उसके बाद जब रिकॉर्डिंग का टाइम आता होगा तो यार एक मिनट बैठ के पहले उसको सोचते होंगे, फ्लो सो जाते यार इसमें मेरा फ्लो क्या था। इतने गाने लिखते हैं ब्रो ये। बात नहीं है लव शायद आज पाक नहीं, या तो आज गाने लिखूं रहते मुझे याद नहीं, उर्दू रैप नजर बंद मुझ पे आज भी, मेरे लिए क्यों तू आज भी रातें जागती, तू ही राज जाना तू ही मेरी आजी, करने आया बातचीत कहानी बड़ी डार्क थी, फिर भी शाइन करे भाई जैसे डायमंड।
डार्क कहानी में भाई शाइन कर, मेरी कहानी बहुत डार्क थी फिर भी करना है बातचीत और शाइन करे भाई जैसे डायमंड, ओके लड़की पे ही है ये गाना ऑलमोस्ट। बातचीत कहानी बड़ी डार्क थी फिर भी शाइन करे भाई जैसे डायमंड, ओके दूरे आना जैसे देती मुझे टाइम गम, शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड, ओके रियाना का गाना। शाइन करे भाई जैसे डायमंड, तू रियाना जैसे देती मुझे टाइम गम, कायम हम क्यों लगाए जाके टाइम बम, लफ्ज तोड़ देता कैसे पढ़ेंगे फिर राइम्स कम, मेरे आगे क्यों दिखा रही होगे माइंड बंद, मेरे आगे सारे लेबलों की ग्राइंड गम, जिस भी गाने पे आ जाता वो रिवाइंड पर, आज भी कहता हूँ मैंने म्यूजिक को दिया टाइम कम, कंधे पे। ओह माय गॉड ब्रो I love this line. आ जाता वो rewind पर, आज भी कहता हूँ मैंने music को दिया time कम, कंधे पे बोझ तन्हा बैठा मैं था सोच रहा, गाने लिखूँ रोज के या जोड़ू जाके note चार, पढ़े बेटा saving पे चल रहे हम भी रोजगार, छोड़ा अपना घर अपना शहर अपने दोस्त यार school मारा। तो struggle days की बात है कि आज मैं गाने लिखूँ और पैसे घर वाले, मतलब दो थॉट्स की बात है, या तो गाने बना लूं या फिर पैसे जोड़ लूं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गाने बनाने में पैसा तो लगता ही है। एंड बेबोझ तन्हा बैठा मैं था सोच रहा, गाने लिखूं रोज के या जोड़ू जाके नोट चार, पढ़ ले बेटा सेविंग पे चल रहे हम भी रोजगार, छोड़ा अपना घर अपना शहर अपने दोस्त यार स्कूल मारा बंक, चौके मिलने आता रोड पार, खाने वाले तंग खा के भागे बीते बहुत बार तमाशे की। अबे दैट्स स्ट्रगल ब्रो, स्कूल बंद और जो के मिलने आता था रोड के पार, और ढाबे पे खाना खाया और खा के हम भागे भी हैं कई। ओह माय गॉड, बंक चौके मिलने आता रोड पार, ढाबे वाले तंग खा के भागे बीते बहुत बार, तमाशे की उम्मीद से ना आना मेरी मौत पर, रोजी रोटी देने वाला रख क्यों ले कोई शॉर्टकट, छोड़ा अपना शौक नहीं करना था हिप हॉप पर, क्या चले सिर्फ पॉप भाई, खुद बेचोगे पास तब जाके मिल ले आता रोड पर, ढाबे वाले तंग खा के भागे बीते बहुत बार, तमाशे की उम्मीद से ना आना मेरी मौत पर, रोजी रोटी देने वाला रख क्यों ले कोई शॉर्टकट, दुनिया से सीख कर आ छोड़ा अपना शौक नहीं करना था हिप हॉप पर, क्या चले सिर्फ पॉप भाई, यार ये लाइन क्या है, तमाशे की उम्मीद से ना आना मेरी मौत पर, रोजी रोटी देने वाला रख क्यों ले कोई शॉर्टकट, दुनिया से सीख कर आ छोड़ा अपना शौक नहीं करना था हिप हॉप पर, क्या चले सिर्फ पॉप भाई, खुद बेचो करना था हिप हॉप पर, दुनिया से सीख कर आ छोड़ा अपना शौक नहीं करना था हिप हॉप पर, क्या चले सिर्फ पॉप भाई, खुद बेचोगे पासेस तब जाके मिलता था स्लॉट भाई, मेहनत के बलबूते आज यहाँ पे खड़ा चौक नहीं, लिए थे जो शॉट्स वो चंदा भरा हिप हॉप, रियल टॉक मेरे बारे ज्यादा भौंक नहीं, अंडर रॉक्स ट्रेंडिंग चार्ट्स के अब टॉप पे, हम गाने डाले बिना प्रमोशन के ये अब नौकरी कामयाब। फैक्ट्स, ओह माय गॉड ब्रो, दैट्स हिज हसल, दैट्स हिज हसल ब्रो, मोटिवेशन है ब्रो, पूरी मोटिवेशन है यार, लव दिस वर्ड्स। एंड आई नो जोके ने किस रीजन से ये गाना उसके बर्थडे पे डाला, इट शोज हिज स्ट्रगल, इट शोज हिज हसल, और उसका उसका वो टाइम जोन में ये स्टोरी चलती है कि वो कैसे 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 यहाँ तक पहुंचा। कम ऑन ब्रो, ट्रेंडिंग चार्ट्स के अब टॉप पे, हम गाने डाले बिना प्रमोशन के, यही अब नौकरी, यही अब नौकरी, फ्लेक्स करूं राइम्स की ये टोकरी, गाने सुन के बावली संभाल अपनी छोकरी, हम बेरो फानी बाबा फाये तभी दुनिया टोक रही, खाना बदोश में कोई सरत कैसे रोकती, मैं नहीं जमाने से जाना ये जमाना, खाना बदोश मैं कोई सरद कैसे रोकती, खाना बदोश यार जोकी का गाना रोक रही, खाना बदोश मैं कोई सरद कैसे रोकती, मैं नहीं जमाने से जाना ये जमाना, मेरा खुदा का मेहमान तेरे शेर भी हो आना, मेरा आर्टिस्ट तो मरते हैं यार रोजाना, मेरी मौत के मातम में उसी रात निकलेगा नया तराना मेरा। ओ माय गॉड, आर्टिस्ट तो मरते हैं रोज और मेरी मौत वाले दिन उसी रात को निकलेंगे गाने, मेरी मौत के मातम में उसी रात निकलेगा नया तराना मेरा, मेरी मौत के मातम में उसी रात निकले गाने हाँ तराना में। ओ माई गुडनेस, मतलब बेसिकली ही सेइंग कि मेरी मौत के ऊपर गाने मेरे गाने चल, यार मेरे गाने चला दें। कौन है तू मुझको बता, कौन है तू, लेजेंडरी वर्ड्स था यार ये टीए का, टी वाई का, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जे गूज बम्स खड़े कर देगा, आई डोंट नो व्हाई बट इट इज परफेक्ट बीट फॉर जे जे। क्या तू खफा, कौन है तू मुझको बता, द
देर रात बेचैन उठा बिस्तर से पहुंचा स्टूडियो और करने हिसाब बैठा बने रिजला लेके शराब बैठा टूटे कितने आज तक ये गिनने में ख्वाब बैठा फर्क पड़े क्या बची हुई हसरत से सोचता मैं कसरत से ढूंढने जवाब बैठा सवालों के हल मिले शायरी में लफ्ज इतने लिखे जैसे लिखने किताब बैठा क्या मैं ओह माय गॉड ब्रो पहले मैं हिसाब लगाने बैठा कि मेरे कौन कौन से सपने थे जो टूट गए और जो बच गए फिर मैं राइम्स में मुझे उन सवालों के जवाब मिले और इतने सारे राइम्स बना दे कि जैसे मैं लिखने के लिए कोई किताब बैठा सो बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि मेरे सपने पूरे नहीं हो चुके थे और मैं उसका हिसाब कर रहा था और जब मैंने राइम्स बनानी शुरू करी मुझे सारी चीज़ों का आंसर मिलता गया और मैंने बनाते बनाते इतनी ज़्यादा राइम्स कर दी कि ऐसा लगा जैसे मैं किताब लिखने बैठा हूँ सवालों के हल मिले शायरी में लफ्ज इतने लिखे जैसे लिखने किताब बैठा क्या मैं असली हूँ क्या मैं जाली हूँ क्या मैं इल्म का खजाना या खाली हूँ क्या मैं फैज हूँ या शायरी मिसाली हूँ क्या मैं खुश फैज वॉज अ पॉइंट मैं लिख के शायरी भूल जाता जैसे बड़ा फैज मैं इल्म का खजाना या खाली हूँ क्या मैं फैज हूँ या शायरी मिसाली हूँ क्या मैं खुसरो पतरस या हाली हूँ क्या मैं नशे में आंखों की लाली हूँ मुंह से जो निकले गुस्से में गाली हूँ क्या मैं बसता दिलों में हूँ सबके कान तरस गए जो सुनने को ताली हूँ लेकिन कभी कभी लगे जैसे इधर सुनने को ताली हूँ गाली हूँ मुंह से जो निकले गुस्से में गाली हूँ क्या मैं बसता दिलों में हूँ सबके कान तरस गए जो सुनने को ताली हूँ लेकिन गाली हूँ क्या मैं बसता लोगों के दिलों में और कान तरस के जो मैं सुनने को ताली ओहो एप्रिसिएशन तालियां मैं बसता दिलों में हूँ सबके कान तरस गए जो सुनने को ताली हूँ लेकिन कभी कभी लगे जैसे इधर सभी काटने को ढूंढते जो पर थे बड़े ही नहीं कभी अभी अभी आंखें नीचे आवाज अभी ऐसा लगे खुद के लिए हम थे लड़े ही नहीं कैसे हार मानू कैसे जाने दूं मैं बेशक साथ मेरे लोग थे खड़े ही नहीं आज बीज बोए तो कल पेट भरे पेड़ कैसे फल दे जिसकी जड़े ही नहीं आंखें बंद सोच आज बीज बोए कल पेड़ बने और पेड़ फल कैसे दे क्योंकि उसकी जड़े ही नहीं व्हाट इज ही ट्राइंग टू से ये कहां चला गया पोएटिक सेंस में अभी आंखें नीचे आवाज अभी ऐसा लगे खुद के लिए हम थे लड़े ही नहीं कैसे हार मानू कैसे जाने दूं मैं बेशक साथ मेरे लोग थे खड़े ही नहीं आज बीज बोए तो कल पेट भरे पेड़ कैसे फल दे जिसकी जड़े ही नहीं आंखें बंद सोचे ओके आज बीज बोए तभी कल फल मिले तो वो पेड़ कैसे दे जिसकी जड़े ही नहीं मतलब जिस जिनके रूट्स नहीं होते उनके फ्रूट्स भी नहीं होते दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि स्टिक टू योर रूट्स तो कल पेट भरे पेड़ कैसे फल दे जिसकी जड़े ही नहीं आंखें बंद सोचे छू रही आसमां और मैं आस पे कि किस्मत आवाज देगी मैं कैसे उठूं रोज लड़ू दुनिया से जब आदत पड़ी हुई बिस्तर पे नाचते की तो हसल सिला खाक देगी तो हसल अंधेरे में यार ये गाने के साथ क्या हो रहा है ब्रो फल दे जिसकी जड़े ही नहीं आंखें बंद सोचे छू रही आसमां और मैं आस पे कि किस्मत आवाज देगी मैं कैसे उठूं रोज लड़ू दुनिया से जब आदत पड़ी हुई बिस्तर पे नाचते की ओके ओके सो बेसिकली सेइंग मैं कैसे उठूं और जमाने से लड़ूं अपने ड्रीम्स को चेस करूं या लोगों से लड़ूं क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई है बिस्तर पे ही ब्रेकफास्ट करने की मतलब उठते सार ही सब कुछ मिल रहा है ब्रो तो उसी चीज की आदत पड़ी हुई है मैं कैसे बाहर निकल के लड़ूं ओके मैं कैसे उठूं रोज लड़ू दुनिया से जब आदत पड़ी हुई बिस्तर पे नाचते की तो हसल सिला खाक देगी तो हसल अंधेरे में क्या चिराग देगी बिल्कुल तो हसल करने से कभी थकता नहीं आज भी तो हसल मेरा सालों साल साथ देगी आसमाने जीते आते तुझे टोट के एक बार मुझे फेरा फिर नहीं आता लौट के मैं तो इधर ही हूँ जैसे जागीर मेरी गिरने से डरे ना जो आधी बड़ी चोट के मुझसे बात करता सोच के मैंने वक्त सहे अच्छे बुरे रोज के लाशें पड़ी देखी साइडों पे रोड के हम तो मुसाफिर बने फिरे यहाँ मौत के ज़्यादा बने अबे लाइन ओह माय गॉड बार्स ब्रो लाशें पड़ी मैंने देखी सड़कों पे इधर उधर हम तो मुसाफिर बने फिरे मौत के ओह माय गुडनेस मेरा दर्द मेरी कला बने मैं अगर जख्मी तो गाने मेरी दवा बने उड़े हवा बने कौन किसका भला बने जो जिसकी हसल करे उसी की तो जगह बने कैसे शेर मेरी शायरी जो जितनी हसल करे उसकी उतनी ही जगह बने कौन किसका भला बने जो जिसकी हसल करे उसी की तो जगह बने कैसे शेर मेरी ओके ओके सो बेसिकली सेइंग कि जो जिसकी हसल करे उसी की तो जगह बने इन द सेंस कि अगर एग्जांपल से मैं अगर मैं हूँ
मैं अब मैं जेजे की जितनी अगर मैं हासिल करूंगा, मैं जेजे की हासिल जो जेजे कर रहा है वो हासिल मैं करूंगा, तो मुझे उसकी जगह मिल जाएगी। सो बेसिकली जो एम तुम्हें जो लेवल चाहिए उस लेवल की हासिल करो, वो लेवल मिल जाएगा। ओके नाइस। कौन किसका भला बने, जो जिसकी हासिल करे उसी की तो जगह बने, कैसे शेर मेरी शायरी में शफा बने, काटते को दौड़े या कौन किसका सगा बने, लफ्ज आतिश जलने की वजह बने, मेरे मरने बाद मेरे गीत मेरे गवाह बने। कौन है तू, My God, मुझको बता कौन है तू, तू नहीं खुदा, क्यों मुझसे दूर, क्या तू खफा, कौन है तू मुझको बता। यार जेजे लुक्स लाइक यंग जॉन लुकस यहाँ पे। सो गाना अच्छा है यार, गाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एंड वाइब्स हैं यार इस गाने में। पता नहीं क्यों इस गाने में लेजेंडरी वाइब्स हैं, क्योंकि अपनी अपनी हसल की, जब भी यार कोई रैपर अपनी स्टोरी बताता है, अपनी हसल के बारे में बताता है ना, तो वो एक लिटरली लेजेंडरी वाइब्स आई जाती है उन गानों से। स्पेशली TY एंड JJ जैसे रैपर्स जो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, तो उनके बारे में जानने का जब किसी ट्रैक से मौका मिले या वो अपने बातें बारे में बताएं कि वो कैसे कैसे लड़के पहुंचे हैं, तो इट ऑटोमेटिकली गिव्स यू लाइक हसल एंड लाइक लेजेंडरी टाइप ऑफ वाइब्स। तो दैट वॉज गुड, आई लाइक दिस ट्रैक। और ये लड़की पे बिल्कुल नहीं था, मैंने स्टार्टिंग में जो बोला था लड़की पे ट्रैक नहीं था, ये उनके अपने अपनी लाइफ के ऊपर ट्रैक था। एंड शुरू में मुझे लगा कि जैसे जोके की जो कोरस है वो शायद लड़की के ऊपर होगी, बट इट्स नॉट ब्रो। एंड द सॉन्ग इज़ वेरी ब्यूटीफुली डन, वेरी ब्यूटीफुली परफॉर्म्ड, आई रियली लाइक इट। एंड काफ़ी ज़्यादा पार्ट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, आई एम नॉट गोना लाई, मुझे नहीं समझ में आया। एंड होता है यार, ऑब्वियसली यार पहली बार सुन रहा हूँ, कहाँ से गाना सारा गाना पकड़ूंगा। सो दैट वॉज इट, बाय बाय, पीस आउट। खोद के जमीन ऊपर आया, हाथ में है साइफर टू जिन पे किया रिएक्शन, आज जूनी के ही साथ में हूँ, कितना किया एक्सप्लोर हिप हॉप, लेकिन इनको दिखते व्यू में लाया अंडरग्राउंड निंजा, लड़ी जैसे टर्टल क्रू।